स्टूडेंट्स, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा बट कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप समझ के चलोगे तो इजीली हो जाएगा। ये कुछ बच्चे कर भी चुके होंगे। कह रहा है लेट एफ मैप फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर। ओके, तो वो फंक्शन एफ मैप कर रहा है होल नंबर के सेट से होल नंबर के सेट पे। तो होल नंबर का सेट क्या होता है सबको पता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो ये होल नंबर का सेट है। कह रहा है कि डिफाइंड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन हो जाता है कब, जब एन क्या होता है ऑड। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान चेक करिए। यहाँ अगर हम फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो एफ ऑफ एन फंक्शन की दो डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन हो जाता है, एफ ऑफ एन की वैल्यू एन माइनस वन, मतलब एन की वैल्यू आप जब ऐसा इनपुट डालोगे तो एन माइनस वन तब मिलेगा जब एन क्या होगा ऑड होगा, व्हेन एन इज, हम लिख देते हैं आगे इफ एन इज ऑड। ठीक, तो अगर आप ऑड नंबर इसमें इनपुट दोगे तो यह आउटपुट क्या देगा, एन माइनस वन। इसी तरीके से आगे बढ़िए, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन हो जाता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है एन प्लस वन हो जाता है इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। कह रहा है कि शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो बच्चों एफ का इनवर्स तो हम बाद में निकालेंगे, उसके लिए तो ये वाला प्रोसेस होता है, डेफिनेशन नंबर 9 हमको फॉलो करनी होती है, वो हम फॉलो करेंगे। लेकिन f इन्वर्टेबल है, इसके लिए हमको फंक्शन f को 1-1 भी दिखाना होगा और ऑनटो भी दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 1-1-ness को, एक एक करके मैं करूँगा। पहले इसको 1-1 दिखाऊंगा, फिर ऑनटो दिखाऊंगा, तो बता दूंगा हाँ भाई ये इन्वर्टेबल है, फंक्शन f इन्वर्टेबल है। और फंक्शन f अगर इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स निकालने के प्रोसेस में हम आगे चलेंगे। ठीक, तो हम चेक करेंगे कि ये 1-1 है कि नहीं है। तो 1-1 के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स, याद करिए, 1-1 के लिए हम दो एलिमेंट चूज करते थे, x और y। कहाँ से चूज़ करते थे x और y, ये हम चूज़ करते थे f की डोमेन से। ठीक, तो अब इसकी जो डोमेन है f की, वो तो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है। ठीक, सेट ऑफ होल नंबर है, तो खुद आप सोचिए इस होल नंबर में दो चीज़ें आती हैं, होल नंबर इज द सेट ऑफ व्हाट, इसमें इवन नंबर भी आते हैं और इसमें ऑड नंबर भी आते हैं, तो इस बात का हमको ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो, तो हमने दो एलिमेंट चूज़ किया, लेट हमने दो n और m बोल दो, आप जो बोलना है वो बोल दो, x और y बोल दो। तो हमने बोला सपोज n कॉमा m दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं किसको, f की डोमेन को हमने चूज़ कर लिए। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये n और m जो आपने चूज़ किए हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। केस वन तो ये हो सकता है कि n क्या हो, n इज इवन एंड m इज वॉट ऑड। ठीक, केस टू क्या हो सकता है, केस टू हो सकता है कि n इज ऑड एंड m इज इवन। ठीक, केस थ्री क्या हो सकता है, केस थ्री हो सकता है आपका कि n एंड m बोथ इवन, बोथ आर इवन, दोनों ही इवन हो। और केस फोर क्या हो सकता है, केस फोर हो सकता है कि n एंड m both are odd, यही चार केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको केस वन और केस टू दिखा के चेक कर रहा हूँ। याद है आपको, हम दो एलिमेंट चूज करते थे f की डोमेन से और हम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रख देते थे। तो यहाँ हमने x और y ना चूज करके n और m चूज किया, तो हम f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m रखेंगे। ओके, और रखने के बाद हम चेक करेंगे क्या n इज इक्वल टू m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो फंक्शन 1-1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो केस वन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस वन, केस वन क्या बताइए, n इज इवन एंड m इज ऑड एंड m इज व्हाट, ऑड। ठीक है, तो पुट f ऑफ n इज इक्वल्स टू f ऑफ m। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ n, n क्या है, इवन, तो फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन चलेगी, इवन वाली, तो f ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, n प्लस वन आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू f ऑफ m की जगह क्या रखोगे, m क्या है, ऑड, तो ऑड वाली डेफिनेशन चलेगी। ठीक है, ऑड में क्या आता है आंसर, n माइनस वन, लेकिन हमें f ऑफ m निकालना है, इसलिए n की जगह क्या आ जाएगा, m, यहाँ हो जाएगा m माइनस वन। बात समझ में आई कि f ऑफ m की वैल्यू m माइनस वन क्यों रखी, क्योंकि m क्या है, ऑड, तो ऑड वाली डेफिनेशन चलेगी, बस n की जगह हम क्या रख देंगे, m, क्यों, क्योंकि हमने इनपुट क्या दिया है, m, यहाँ इनपुट आप n देते थे, n माइनस वन आता था, हमने इनपुट m दिया है, तो m माइनस वन आएगा। बात समझ में आई, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास n माइनस m इज इक्वल्स टू टू, कैसे, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे होना चाहिए ये 1 इधर जाएगा, तो 2, 1 प्लस 1 2, और m माइनस n इज इक्वल्स टू टू,
या फिर हम क्या बोल सकते हैं m माइनस n इज इक्वल टू टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, m क्या था आपका ऑड था ठीक, और n क्या था आपका इवन था। आप खुद सोचिए कभी भी ऑड और इवन, दो ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस टू आ सकता है, खुद सोचिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है। आप चेक कर लीजिए, मान लीजिए मैंने m की वैल्यू कितनी ली थ्री, जो कि क्या है ऑड ठीक है, n की वैल्यू क्या ली टू ली, थ्री माइनस टू कितना आ गया वन विच इज़ नॉट इक्वल्स टू टू। फिर मैंने मान लीजिए यहाँ फाइव ले लिया जो कि ऑड है, और m क्या लिया इवन, n क्या लिया इवन, m क्या लिया ऑड, तो फाइव माइनस थ्री सॉरी फाइव माइनस टू थ्री विच इज़ नॉट इक्वल्स टू टू। तो कभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑड और इवन का जो डिफरेंस है वो टू के इक्वल आ जाए ठीक। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस ऑफ ऑड ऑड नंबर एंड इवन नंबर कांट बी इक्वल टू टू, दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पॉसिबल केस। ओके, तो केस वन क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो यहाँ पे तो हमको नहीं चेक करना है ठीक। सिमिलरली केस टू भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, कैसे, केस टू में आपका m इज इवन एंड n इज ऑड ठीक, तो पुट क्या करना होता है हमको, एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू या एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू वॉट, एफ ऑफ एम पुट करेंगे। अब ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम, एन क्या है यहाँ ऑड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी डेफिनेशन चलेगी ऑड वाली, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन आ जाएगा ठीक, और एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू वॉट, एम क्या है यहाँ पर इवन ठीक, तो कौन सी डेफिनेशन चलेगी नीचे वाली, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा एम प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल्स टू वन प्लस वन टू, फिर से n क्या था आपका ऑड और m क्या था इवन, तो वही वाला आर्ग्यूमेंट देके ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा कि इवन और ऑड का डिफरेंस कभी भी टू के इक्वल नहीं हो सकता है ठीक है। तो केस वन और केस टू तो इम्पॉसिबल हो गए, तो इसको हमको डिस्कस नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम इसकी वन वननेस नहीं चेक करेंगे ठीक है। अब चेक करते हैं कहाँ पर, केस थ्री। ओके, तो देखिए केस थ्री पे इसको हम चेक करते हैं, व्हाट इज केस थ्री, देखिए केस थ्री एन एम एन एंड एम बोथ आर इवन। ओके, एन एंड एम बोथ आर इवन, दोनों ही क्या है इवन, तो यहां पे हम एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एम रखेंगे। अब ध्यान दें, एन भी इवन है और एम भी इवन है ठीक है, तो एन अगर इवन तो नीचे वाला डेफिनेशन चलेगा, मतलब एफ ऑफ एन एन प्लस वन आ जाएगा, और एफ ऑफ एम एम भी इवन है तब भी नीचे वाला डेफिनेशन चलेगा, तो एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा एम प्लस वन, वन से वन कटा क्या आ गया एन इज इक्वल्स टू व्हाट एम आ गया, फॉर ऑल एन कॉमा एम बिलोंग्स टू व्हाट द डोमेन ऑफ एफ, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स ठीक है। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम रख के एन इज इक्वल्स टू एम आ गया, इसका मतलब एफ क्या है, एफ इज वन वन, एफ इज वन वन ठीक है। अब केस फोर, केस फोर, केस फोर क्या था देखिए, n and m both are odd, n and m both odd, both अगर odd है तो हमने क्या किया f of n is equals to f of m put किया, तो अगर n और m दोनों ही odd हैं तो definition ऊपर वाली चलेगी, f of n n minus 1 हो जाएगा, और f of m m minus 1, 1 से 1 कटा क्या आ गया n is equals to m आ गया, तो जब m और n दोनों ही odd है तब भी f क्या हो गया 1 1, तो this implies what f is 1 1, तो f 1 1 तो हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या फंक्शन f ऑन्टो है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑन्टो प्रूफ करने के लिए आपको ये दो स्टेटमेंट लिखने हैं, इसको समझाने से पहले ये कोई खास चीज़ नहीं, आपको मैं मैपिंग करा देता हूँ इसकी। देखिए फंक्शन मैप करता है होल नंबर के सेट से होल नंबर के सेट पे ठीक है, थोड़ा सा सारे एलिमेंट्स तो हम नहीं लिख सकते, थोड़ा सा मैं आपको फील कराता हूँ। देखिए इधर भी होल नंबर है और इधर भी होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ले लेते हैं, काफ़ी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, अगर हम इसमें इनपुट क्या दें, सबसे पहले ऑड नंबर्स की बात कर लेते हैं ठीक, तो अगर आप ऑड नंबर इनपुट दोगे यानी कि 1 3 5 7 ये सब इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑड नंबर की बात करते हैं, अगर आप इनपुट 1 दोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ऑड में ये वाला डेफिनेशन चलेगा ठीक है, तो 1 मैप करेगा किससे 0 से ठीक। अब आप अगर इनपुट 3 दोगे तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 3 मैप करेगा किससे 2 से, फिर अगर आप इनपुट 5 दोगे तो 5 माइनस 1 मैप करेगा किससे 4 से ठीक है, बात समझ में आई।
अब देखो ऑन्टो दिखाने के लिए हमको क्या चेक करना होता था, हमको ये चेक करना होता था कि जो कोड डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसी बात को हमने यहाँ नोट किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा, ये सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से चेक करिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, होल नंबर में भी दो कैटेगरी आती है, इवन और ऑड। तो अगर हमने डोमेन में किसकी बात करी है, ऑड की, तो को डोमेन में कौन से नंबर की बात हो गई, इवन नंबर की, चेक करो 0, 2, 4 इनकी प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल, अगर हम 7 लेते हैं यहाँ तो ये 7 किससे मैप होता, 6 से। तो आप क्लियरली देखो होल नंबर में जितने भी, होल नंबर में यहाँ पर जितने भी इवन नंबर हैं, देखो 0 भी इवन होता है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, ठीक। तो जितने भी इवन नंबर हैं उनकी यहाँ पर एक प्री इमेज अवेलेबल है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी, क्या एनी इवन नंबर, इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है 2R, ओके। तो फॉर एनी इवन नंबर, यहाँ पे आप फॉर लिख सकते हो, फॉर एनी इवन नंबर इन कोडोमेन, कोडोमेन में से अगर हम कोई भी इवन नंबर उठाते हैं, कोडोमेन क्या है इसका, सेट ऑफ होल नंबर, तो हमने यहाँ कैपिटल W लिख दिया, फॉर एनी इवन नंबर 2R इन द कोडोमेन W इज द इमेज ऑफ 2R+1 इन द डोमेन W, मतलब ये जितने भी यहाँ पे इवेंट नंबर आ रहे हैं वो इमेज है किसकी, यहाँ पे अवेलेबल ऑड नंबर्स की, ये बात करते हैं। अब देखो अगर हम n को इवन लें तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी, इवन लो इनपुट आप इवन नंबर दो, अगर हम 0 दें 0+1 1 आएगा, अगर हम n की वैल्यू 2 दें तो 2+1 3 आएगा, अगर हम n की वैल्यू 4 दें तो 4+1 5, अगर हम 6 दें तो 6+1 7। इस तरीके से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कोड डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट छूटेगा ही नहीं जिसकी यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल ना हो, यानी कि W को डोमेन में अवेलेबल हर एक एलिमेंट की एक यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है, इसलिए ये क्या है ऑन्टो भी है, ठीक। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट को कि इफ इट इज क्लियर दैट एनी ऑड नंबर इन द को डोमेन W, मतलब को डोमेन W में हर एक ऑड इंटीजर के लिए डोमेन में इवन इंटीजर अवेलेबल है, ये देखो 1 के लिए 0, 3 के लिए 2, 4 के लिए 5, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, पढ़ लीजिए, इट इज़ क्लियर दैट एनी ऑड नंबर 2R+1 इन द को डोमेन W इज़ द इमेज ऑफ 2R इन द डोमेन W, ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखोगे, हैंस द फंक्शन इज ऑन्टो। अब ध्यान से चेक करिए, फंक्शन F को हमने 1-1 भी दिखा दिया था, और फंक्शन थोड़ी सी मैपिंग भी करके दिखा दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम डॉट डॉट लगा सकते हैं, मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो तो F क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, तो इतनी कहानी तो खत्म हो गई कि F को हमने क्या दिखा दिया, इन्वर्टिबल। अब अगर F इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स हमको निकालना है, तो अब हम इसका आपको इन्वर्स निकाल कर दिखाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, इन्वर्स ऑफ F निकालने के लिए हमको एक फंक्शन G डिफाइन करना पड़ता था, याद है, तो हम एक फंक्शन G यहाँ पर डिफाइन करेंगे, किस तरीके से ध्यान से चेक करिए, G कैसे डिफाइन किया जाता था बताओ, G डिफाइन किया जाता था F ऑफ X इज इक्वल्स टू Y रख के, याद है आपको, तो यहाँ F ऑफ N इज इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, y पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस से कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू हमने y पुट किया, लेकिन अब यहाँ पे भी शर्त है, क्या कि n ऑड भी होता है और इवन भी होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है। तो हम ले रहे हैं क्या केस नंबर वन कि when n इज वॉट, n इज ऑड, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो f ऑफ n इज इक्वल्स टू y हमने रखा, तो यहाँ पे f ऑफ n की डेफिनेशन क्या चलेगी, n माइनस वन इज इक्वल्स टू y, और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इज इक्वल्स टू वॉट 1+y आ जाएगा, तो यही जो 1+y आया है यही क्या है, जी ऑफ वाई। अब एक खास बात देखिए स्टूडेंट्स, आप क्लियरली यहाँ पे एक चीज नोट लगा लीजिए, क्या कि अगर n कैसा हो जाएगा, n अगर ऑड होगा, n अगर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है, तो वन तो y क्या होगा, y पक्का क्या होगा, y को इवन होना पड़ेगा, क्योंकि इवन प्लस वन ही हमेशा क्या आता है, ऑड आता है, बात समझो मेरी, n अगर ऑड है तो y को क्या होना पड़ेगा, y को इवन होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान लो अगर आप y की वैल्यू आप 3 ले लेते हो जो कि ऑड है, क्या है, ऑड है, तो 1+3 आंसर क्या आ जाएगा, 4, n क्या हो जाएगा, 4, जो कि इवन हो जाएगा, लेकिन आप क्या लेके चले थे केस n ऑड, तो n ऑड है इसका मतलब y पक्का क्या होगा, y होगा आपका इवन। तो हम लिखेंगे भी नीचे कि सिंस n इज ऑड, देयरफॉर y इज श्योरली इवन, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, अब आपकी g ऑफ y की डेफिनेशन बनने लगी है, ध्यान से चेक करिएगा, g ऑफ y कितना आता है, y+1 आता है, या 1+y आता है, तो y+1 आता है,
वाई प्लस वन आता है कब, जब वाई की कंडीशन क्या है कि वाई क्या है इवन है, तो इफ वाई इज इवन। ठीक, अब इसी तरीके से केस टू यहां लगाते हैं। ठीक है, चलो यहीं लगा लेते हैं केस टू, केस टू। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब y इवन है तो n क्या है ऑड है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब केस टू में n अगर इवन हो जाए, n इज इवन भाई, n अगर इवन हो जाए तो f ऑफ n इज इक्वल्स टू, अगर हम y रखें ठीक है, तो f ऑफ n कितना है हमारे पास, n प्लस वन है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट y, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट y माइनस वन आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे g ऑफ y। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए, n अगर इवन होगा तो y को ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑड में से 1 हटाओगे तभी तो इवन आएगा। जैसे y की वैल्यू 3 लिया तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है। ठीक, अगर y की वैल्यू आप 1 लोगे, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक, तो 1 माइनस 1 0 आता है, n का वैल्यू 0 आएगा, जो कि एक क्या होगा इवन नंबर होगा, और n बिलोंग्स टू व्हाट सेट ऑफ होल नंबर, और 0 होल नंबर को बिलोंग करते रहे। ठीक है, तो बात समझ में, तो यहां पर अगर n इवन है तो y क्या होगा ऑड होगा। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब g ऑफ y का दूसरा डेफिनेशन क्या है, यह है y माइनस वन इफ कंडीशन क्या है y इज ऑड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको तो पता ही है कि यही जो g ऑफ y आया है यही क्या है f का इनवर्स है। तो जो f का इनवर्स है वो कोई नई चीज़ नहीं, ध्यान से करो, वैसे ही तो फंक्शन बस वेरिएबल चेंज हो गए यार। वहाँ पे n ऑड होता था तो फंक्शन n माइनस वन होता था, यहाँ पे y अगर ऑड है तो फंक्शन y माइनस वन है, वहाँ n अगर इवन होता था तो फंक्शन n प्लस वन होता था, यहाँ फंक्शन y अगर इवन है तो फंक्शन y प्लस वन है। यानी कि f का जो इनवर्स है वो इट्सेल्फ खुद ही, ठीक है, f अपने आप का ही यहाँ पर क्या है इनवर्स है। बट यहीं पर अगर आपने एग्जाम में आंसर छोड़ दिया कि g ऑफ y इज द इनवर्स ऑफ व्हाट, इनवर्स ऑफ f ऑफ n, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए आपको ये दो कंडीशन भी तो दिखानी होती थी क्या, कि गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन x एंड फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन y, मतलब ये दो बातें भी हमको यहाँ पर करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो चलिए अब ये बातें भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं गॉफ, ठीक है, तो गॉफ, गॉफ को हमको आइडेंटिटी दिखाना है, कौन से सेट पे, f की डोमेन पे। ठीक, तो पहला हमारा टारगेट है, ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा टारगेट है क्या, प्रूव करना कि गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन ऑन विच सेट, ऑन डोमेन ऑफ f, f की डोमेन क्या है w, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, इसको करेंगे तो ध्यान से चेक करो, ये टारगेट आपका मैंने लिखा है। ठीक, तो g ऑफ f ऑफ, हाँ ध्यान से करिएगा, यहाँ पे इनपुट कहाँ से आएंगे, f की डोमेन से, यानी कि g ऑफ f ऑफ n आएगा। अब फंस गए चक्कर में क्या, कि गॉफ भी आपको दो बार आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा भैया, क्योंकि जब तुमने इसमें इनपुट n दिया है तो n के तो दो केस थे, n क्या होता था ऑड, n क्या होता था इवन, तो इसमें भी आपको केस दो बनेंगे कि गॉफ को दो बार आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो केस वन कि n इज ऑड, n क्या है ऑड है, तो गॉफ निकालने जा रहे हैं, तो g ऑफ f ऑफ n। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए क्या कि g ऑफ f ऑफ n क्या लोगे, n अगर ऑड है तो f ऑफ n लोगे आप n माइनस वन, बात समझ में ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, बड़ा मज़ेदार चीज़ होने आ रहा है, सुनो ये बात बताओ कि अगर n क्या है ऑड है तो g जो भी होगा n अगर ऑड है तो आपका इस टाइम y क्या होगा इवन होगा, यानी कि जो g की जो डेफिनेशन है वो ये चलेगी, बात समझिएगा जरा। n ऑड होने का क्या मतलब था, याद है ना आपको मैंने लिखाया था, n अगर ऑड था तो y क्या था इवन, क्योंकि n ऑड था तभी y इवन आया था, ये बात आपको याद होगी। तो n अगर आपका क्या है ऑड है तो जो फंक्शन g ऑफ y इसकी डेफिनेशन ये इवन वाली चलेगी, कि जब y क्या होता था इवन होता था, यानी कि समझो जरा बात को, समझो g ऑफ n माइनस वन निकालने का मतलब है कि आपको फंक्शन क्या लेना है यहाँ, g ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस वन लेना, और जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे n माइनस वन रखोगे, बात समझ में, तो इस y की जगह आप क्या रखोगे n माइनस वन और प्लस वन। अरे यार अगर मैं तुमसे बोलूँ g ऑफ टू निकालो तो y की जगह क्या निकालो रखोगे, टू ही तो रखोगे ना, समझो, तो उसी तरीके से अगर g ऑफ n माइनस वन बोलूँ तो g ऑफ y में जहाँ जहाँ y आ रहा है तो y की जगह आप क्या रखोगे, y की जगह आप n माइनस वन ही तो रखोगे, वन से वन कटा, ठीक, आपके पास क्या आ गया n आ गया, तो आपने देखा गॉफ ऑफ n n ही आ गया, यानी कि आपने जो इनपुट डाला था वही, इसका मतलब गॉफ क्या है आइडेंटिटी, कौन से सेट पे, आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ
होल नंबर्स, क्योंकि n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू होल नंबर था, लेकिन n यहाँ ऑड है, तो अभी बस आपने ऑड के लिए दिखाया, अब आप किसके लिए दिखाओगे, इवन के लिए भी। तो केस टू, केस टू, इफ n इज इवन, अगर n क्या है आपका इवन है, तो गॉफ ऑफ n इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ n, लेकिन n अगर इवन है तो आपका f ऑफ n क्या हो जाएगा, n प्लस वन, तो g ऑफ n प्लस वन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कौन सी डेफिनेशन चलेगी g की, ये वाली, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए क्या, कि अगर n आपका इवन होता था तो y आपका क्या होता था, ऑड, तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी। अब g ऑफ y अगर y माइनस वन है तो g ऑफ n प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, n प्लस वन। देखो इसमें जहाँ जहाँ y, y की जगह हमने n प्लस वन रखा और माइनस वन तो था ही, कट गया, क्या आ गया, n आ गया, n का मतलब वॉट, जो इनपुट रखा गॉफ ऑफ n इज इक्वल्स टू n आ गया, विच इज आइडेंटिटी ऑन वॉट, होल नंबर। तो होल नंबर के, होल नंबर पे हमने इसको आइडेंटिटी कर दिया। होल नंबर में दो तरीके के नंबर आते थे, इवन और ऑड, तो इवन और ऑड दोनों के लिए ही हमने गॉफ को क्या कर दिया, आइडेंटिटी कर दिया, बस समझ में। अब बारी है किसकी, फॉक की। तो अब आपका टारगेट है क्या, अब आपका टारगेट है, टारगेट में आपका लिख रहा हूँ कि अब आपका टारगेट है फॉग, ठीक है। तो फॉग में इस बार आप इनपुट क्या दोगे, इस बार इनपुट दोगे g की डोमेन, और g की डोमेन में कौन सा एलिमेंट है, y। तो फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आपको आइडेंटिटी लाना है, किस पे, किस पे आइडेंटिटी लाना है बताइए, सेट ऑफ होल नंबर पे, क्योंकि g भी कहाँ से कहाँ मैप कर रहा था, ऑब्वियसली इसको आप इन्वर्ट करोगे तो g भी कहाँ से कहाँ मैप करेगा, w से w पे, याद कर लीजिए, याद क्या करना है आपको तो पता ही है। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो जो को डोमेन थी वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन तो को डोमेन, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक। अब ये जो y है ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, इवन और ऑड, तो इसका मतलब केस वन, ठीक, केस वन में y इज इवन, लेट y क्या है, इवन है, सुनो अगर y इवन होगा तो n क्या होगा, ऑड होगा, ध्यान रखना। तो f ऑफ g ऑफ y, अगर fog ऑफ y हम निकालें अगर, तो f ऑफ g ऑफ y होगा ये, ठीक। अब ध्यान चेक करिएगा, f ऑफ, हाँ भाई y क्या है आपका, y है आपका इवन, ठीक। तो y अगर इवन है तो g ऑफ y की डेफिनेशन क्या है, y प्लस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस वन। अब सुनो, y अगर इवन है, ठीक, तो n क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि फंक्शन f की पहली वाली डेफिनेशन चलेगी, तो हम फंक्शन f की ये वाली डेफिनेशन लेंगे, f ऑफ n इज इक्वल्स टू n माइनस वन वाली, क्यों, y अगर इवन है तो n क्या है, ऑड है, ठीक। अब f ऑफ n n माइनस वन था, तो f ऑफ y प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, y प्लस वन। तो n की जगह आप रखिए क्या, y प्लस वन, और n की जगह y प्लस वन और माइनस वन, वन से वन कटा आ गया y। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं क्या, कि फॉग में आपने इनपुट y दिया और आउटपुट भी आपको क्या मिल गया, y मिल गया। इसका मतलब फॉग क्या है, आइडेंटिटी कहाँ पर, सेट ऑफ होल नंबर पर, लेकिन किसके लिए, जब y क्या है, इवन। अभी भी ऑड नंबर के बारे में हमने बात नहीं करी है। तो केस टू, केस टू, इफ y इज ऑड, अगर y क्या है, ऑड है, तो हम फॉग निकालेंगे, ठीक। तो फॉग अगर हम निकालेंगे तो फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब y अगर ऑड है तो g ऑफ y कितना हो जाएगा, y माइनस वन, y माइनस वन। अब फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ n क्या हो जाएगी, n प्लस वन, क्यों, क्योंकि अगर y ऑड है तो n कैसा होगा, इवन होगा। तो f ऑफ n अगर n प्लस वन है तो f ऑफ y माइनस वन कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ y माइनस वन रखेंगे, तो y माइनस वन और प्लस वन तो था ही, कटा, कितना आ गया, y आ गया। यानी कि fog ऑफ y इज इक्वल्स टू y, विच इज अगेन आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ होल नंबर, फॉर वॉट, फॉर ऑल द ऑड नंबर्स, y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ओके, या y इज ऑड नंबर। तो आपने देखा कि गॉफ को भी आपने आइडेंटिटी दिखा दिया, फॉग को भी आपने आइडेंटिटी दिखा दिया, इसलिए यही जो g डिफाइन था, यही क्या है, इस फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। और ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं हैं, दोनों ही फंक्शन सेम हैं। तो फाइनली हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि f इनवर्स इज़ नथिंग, इट इज़ g। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, द इनवर्स ऑफ f इज इट्सेल्फ, ये आपका आंसर है, कर लीजिए। ठीक बच्चों,